नमोस्तु महाराष्ट्र हम तीन दिन से यहाँ पर हैं और यहाँ की सारी कार्य विधियों को देख रहे हैं और उसमें उत्साहित उस से सम्मेलन में भाग ले रहे हैं महाराष्ट्र हर जगह यही आशीर्वाद मिलता है धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो और कई जगह ये आपका और सारे परिवारजनों का आशीर्वाद सफलित भी हुआ है बट धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते धर्म को हम जब कर्म क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो कई चैलेंजेस फेस करते हैं कई अधर्मी लोग कई अजैन लोग मिलते हैं जिनको जैन धर्म समझाने में हमारी बातें समझाने में समय लगता है तो श्री क्या करें कि हम धर्म से डिगे भी ना और कर्म क्षेत्र को हम में भी हम हमारा धर्म फैला सकें और बढ़ा सकें बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो एक बात कहूँगा कि जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में अग्रणी होते हैं कर्म भी उनका धर्म बन जाता है और यदि हम अपने कर्म को धर्म बना लें तो हमारे लिए फिर देशकाल की सीमाएं कहीं बाधक नहीं बनती हमारा पहला प्रयास हमसे अधर्म न हो और मेरी राय में अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है उन लोगों के मध्य रहते हुए जो धर्म से शून्य है जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है उन्हें धर्म समझाने की स्थिति में हम क्या करें सबसे पहली बात समझाने का प्रयास केवल उन्हें करें जो समझना चाहे जो समझने के लिए राजी नहीं उन्हें समझाने में अपनी शक्ति बर्बाद करना व्यर्थ है और अगर समझना चाहता है तो उसकी उत्सुकता को जगा कर धर्म के मूलभूत तत्व को अत्यंत तार्किकता और वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करें हम केवल रिचुअल्स की बात न करें हम उसे उस स्पिरिचुअल तत्व से जोड़ें जिसके माध्यम से उसे समझ में आ जाए कि धर्म की क्या उपयोगिता है मैं यहीं समेत शिखर की बात कह रहा हूँ एक परिवार दिल्ली का मेरे पास आया भैया सबके सब, सब खड़े हो जाओगे तो गड़बड़ होगा दिल्ली का एक परिवार मेरे पास आया उनका एक बेटा हार्वर्ड से पढ़ के आया था मुझसे घर के लोगों ने कहा कि महाराज जी इससे कहिए कि ये थोड़ा धर्म करे मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मेरा धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैंने कहा ठीक है धर्म में तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये बताओ अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो बोले हाँ महाराज करना चाहता हूँ हमने कहा अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हो बोले छोड़ना चाहता हूँ तो मैंने कहा ही तो धर्म है धर्म का पहला पाठ अपने अंदर की नकारात्मकता और बुरी प्रवृत्तियों को दूर करना है जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मुझ में उस मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो हम धर्म के मूल स्वरूप को अगर ठीक तरीके से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर यह सब हम सबको सफलीभूत करेंगे